कैसा रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है और जो खुद को इस बदलाव के मुताबिक ढालता है वही जीवित रहता है। गौर किया जाए तो ऐसा ही कुछ भारतीय फिल्म अभिनेताओं के साथ भी होता है, जो अपना करियर बतौर नायक तो शुरू करते हैं लेकिन उम्र के ढलान पर भी नायक ही बने रहकर रोमांटिक गानों की परिकल्पना करते हैं। ऐसे बिरले ही अभिनेता होते हैं जो हम उम्र किरदारों अथवा चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख करते हैं। बात करें भारतीय फिल्मों के हीमैन कहे जाने वाले धर्म जी की, तो वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने समय दर समय खुद को बदला और 80 के दशक के अंत तक आते आते उमर दराज नायक के साथ साथ पिता सरीखी की भूमिकाओं को भी स्वीकारना शुरू कर दिया। साल 1987 में आई आग ही आग कुछ ऐसी ही फिल्म थी। विशाल दीप इंटरनेशनल के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था पहलाज निहलानी ने तथा इसके निर्देशक थे शिबू मित्रा। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी राम केलकर ने तथा संवाद लिखे थे फैज सलीम ने। तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 3 अप्रैल 1987 को तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, मौसमी चटर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीलम, ऋचा शर्मा, शक्ति कपूर, डैनी डंगजोंगपा, ओम शिवपुरी, जगदीश राज, विनोद मेहरा, तेज सप्रू, मैकमोहन, पिंचू कपूर, गुलशन ग्रोवर आदि। संगीतकार बप्पी लाहिड़ी और गीतकार अंजान जी के द्वारा तैयार किए गए कुल 7 गाने इस फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में रखे गए थे, जिनके बोल हैं मिलने से पहले, मिलना तेरा ऐसा, मिलके जो ना बिछड़े, कैसी हिचकी लगी, प्यार से है दुनिया हसीन और साजन आजाओ के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह, शब्बीर कुमार और मेघना ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म आग ही आग साल 1987 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 4थे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1.75 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4.50 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म हुकूमत, जिसने 5.50 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म खुदगर्ज, जिसने 4.75 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म आग ही आग की मूल कहानी साल 1977 में आई हत्यारा नामक एक फिल्म से काफी हद तक मिलती जुलती नजर आती है, जिसके मुख्य भूमिकाओं में विनोद खन्ना, राकेश रोशन, प्राण साहब और मौसमी चटर्जी जैसे कलाकार नजर आए थे। गौरतलब है कि फिल्म आग ही आग में धर्म जी ने जैसी भूमिका निभाई है, ठीक उसी तरह की भूमिका फिल्म हत्यारा में प्राण साहब ने निभाई थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म हत्यारा में राजेश खन्ना ने भी एक मेहमान भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मौसमी चटर्जी एक ऐसी कलाकार है जो दोनों फिल्मों में नजर आई थी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म आग ही आग में धर्म जी के द्वारा निभाया गया बहादुर उर्फ शेर सिंह की भूमिका दरअसल दिलीप कुमार को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन जब फिल्म के निर्माता पहलाज निहलानी ने कास्टिंग शुरू की और इसी सिलसिले में वो एक दिन फिल्म लोहा के सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा से मिले, तो धर्म जी भी वहाँ पहलाज निहलानी की हालिया रिलीज्ड फिल्म इल्जाम का एक गीत गुनगुनाते आ धमके और उनसे कहा कि मेरे लिए भी कोई रोल सुनाओ। पहलाज निहलानी धर्म जी जैसे दिग्गज एक्टर को मना करने का साहस नहीं जुटा पाए और उनसे कहा कि एक रोल तो है, लेकिन इसमें आपको पिता की भूमिका निभानी पड़ेगी। धर्म जी ने पूरी कहानी संयम के साथ सुनी और अंत में उससे इतने प्रभावित हुए कि फिल्म के लिए हाँ कर दी। इस तरह से दिलीप कुमार के लिए लिखी गई रोल धर्म जी के खाते में जा गिरी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म में चंकी पांडे वाली भूमिका की पहली पसंद गोविंदा थे, लेकिन उन्हें अपने बड़े भाई कीर्ति कुमार के चलते यह फिल्म गंवानी पड़ी। दरअसल उन दिनों गोविंदा के कैरियर का देखभाल उनके बड़े भाई कीर्ति कुमार ही किया करते थे, जो गोविंदा को साइन करने आए प्रोड्यूसर से कहते कि गोविंदा फिल्म में तभी काम करेंगे जब मुझे भी कोई रोल दिया जाएगा। खबरों की माने तो ऐसा ही कुछ पहलाज निहलानी से भी कहा गया और वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। नतीजन गोविंदा ने फिल्म छोड़ दी। कहा जाता है कि गोविंदा के बाद यह भूमिका उन दिनों के एक अन्य उभरते हुए स्टार सुमित सहगल को ऑफर की गई थी, लेकिन अंत में बाजी मारा चंकी पांडे ने। फैक्ट नंबर 5, अभिनेता शक्ति कपूर बताते हैं कि चंकी पांडे से उनकी पहली मुलाकात फिल्मिस्तान स्टूडियो के गेट पर हुई थी। उस पहली मुलाकात में शक्ति कपूर चंकी पांडे के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए, क्योंकि उन्हें चंकी में अमिताभ और
विनोद खन्ना का मिला जुला रूप नजर आ रहा था। खैर उसी शाम को जब शक्ति कपूर आगे आग का पहला शॉट देने पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उनके अपोजिट जो कलाकार है वो कोई और नहीं बल्कि सुबह मिला वही हैंडसम लड़का है। शक्ति आगे बताते हैं कि उस शॉट में चंकी उन्हें घूसा मारते हैं, लेकिन न्यू कमर चंकी ने कुल 36 रिटेक लिए जिस कारण शक्ति कपूर की अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म आग ही आग बतौर लीड एक्टर चंकी पांडे की पहली फिल्म रही और इस फिल्म की सफलता ने उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। लेकिन यहाँ यह भी जानना दिलचस्प है कि चंकी फिल्मों में काम करने का प्रयास 80 के दशक की शुरुआत से ही कर रहे थे और इसी दौरान संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी में भी उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी जिसे बहुतों ने गौर नहीं किया होगा। फैक्ट नंबर 7, फिल्म आग ही आग का निर्देशन किया था शिवू मित्रा ने, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिंदिया और बंदूक जैसी फिल्म से की थी। भले ही यह एक बी ग्रेड फिल्म थी लेकिन काफी लोकप्रिय रही और यहाँ तक कि फिल्म के निर्माता जोगिंदर शेली ने शोले के मेकर्स पर इसे कॉपी करने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया था। खैर बात करें शिवू मित्रा की तो पहलाज निलाने के लिए इन्होंने पहली फिल्म इल्जाम बनाई जिसकी सफलता ने इन्हें आग ही आग बनाने की प्रेरणा दी। इस फिल्म के बाद भी दोनों निर्माता निर्देशकों का साथ जारी रहा और आगे चलकर पाप की दुनिया तथा गुनाहों का फैसला जैसी अन्य फिल्में बनाई। फैक्ट नंबर 8, फिल्म आग ही आग चंकी पांडे के करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। 1987 की इंडिया टुडे पत्रिका के अनुसार फिल्म आग ही आग के बाद चंकी पांडे ने 25 फिल्में साइन कर ली थी और वो एक फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करने लगे थे। फैक्ट नंबर 9, फिल्म आग ही आग अभिनेत्री ऋचा शर्मा के छोटे से करियर की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने चंकी पांडे की बहन का किरदार निभाया था। दरअसल ऋचा शर्मा ने अपने करियर में केवल 5 फिल्मों में काम किया जिनमें से अनुभव, इंसाफ की आवाज और आग ही आग हिट साबित हुई। लेकिन संजय दत्त से अपने अफेयर के चलते ऋचा शर्मा ने अपना अच्छा खासा करियर कुर्बान कर दिया और फिल्म आग ही आग के बाद संजय दत्त से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को सदा के लिए अलविदा कह दिया। फैक्ट नंबर 10, फिल्म आग ही आग में बाल कलाकारों के रूप में पहलाज निहलानी के दोनों बेटे विशाल दीप और चिराग दीप निहलानी नजर आए थे। फिल्म में उन्हें मास्टर विशाल दीप और मास्टर चिराग दीप के नाम से क्रेडिट भी मिला था। दिलचस्प बात यह भी है कि पहलाज निहलानी ने दो प्रोडक्शन बैनर बनाए जिनमें से एक का नाम विशाल दीप इंटरनेशनल और दूसरे का नाम चिराग दीप इंटरनेशनल रखा जो उनके दोनों बेटों के नाम पर थे। फिल्म आग ही आग को विशाल दीप इंटरनेशनल के बैनर तले बनाया गया था। फैक्ट नंबर 11, साल 1987 के बिना का गीतमाला में फिल्म आग ही आग के दो गीतों को जगह मिली थी। फिल्म के गीत साजन आजाओ को गीतमाला में 12वां स्थान मिला, वही हम न रहे तुम न रहो गीत को 21वां स्थान मिला। इसके अलावा साजन आजाओ गीत को रागों पर आधारित गीतों की श्रेणी में पहला स्थान मिला। फैक्ट नंबर 12, पहलाज निहलानी की आलोचना करते हुए स्टारडस्ट पत्रिका ने उन पर इल्जाम लगाया था कि फिल्म के पोस्टर्स में चंकी पांडे, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा से बड़े स्टार नजर आते हैं, क्या ये इन सीनियर अभिनेताओं की तौहीन नहीं है? इस पर पहलाज निहलानी ने जवाब देते हुए कहा था कि धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बड़े स्टार हैं और उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन चंकी पांडे नए कलाकार हैं और उन्हें प्रमोट करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए उन्हें फिल्म के प्रमोशन के केंद्र में रखा गया है। फैक्ट नंबर 13, पहलाज निहलानी को सफल प्रोड्यूसर बनाने में शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत बड़ा हाथ रहा। पहलाज जी के करियर की पहले 4 फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए थे और ये चारों फिल्में हथकड़ी, आंधी तूफान, इल्जाम और आगे आगे हिट साबित हुई थी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को ये लगने लगा था कि उन्हें इल्जाम और आगे आग में वो भूमिका नहीं मिली जिसे वो डिजर्व करते थे। इस कारण उनके और पहलाज निहलानी के बीच कुछ नाराजगी आ गई थी। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा पहलाज निहलानी की अगली कुछ फिल्मों में नजर नहीं आए। ये सिलसिला आखिरकार 1990 में टूटा जब दोनों ने फिर से एक साथ फिल्म आंधिया में काम किया। पर वो बात अलग है कि आंधिया हिंदी फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फैक्ट नंबर 14, फिल्म आग ही आग से पहले फिल्म फेयर पत्रिका ने अपने एक आर्टिकल में कहा था कि शिवू मित्रा को इतनी फिल्में डायरेक्ट करने को कैसे मिलती है, ये बड़ा ही अचरज का विषय है। एक ऐसा निर्देशक जिसका आधा से ज्यादा करियर बी ग्रेड फिल्में करके बीता हो, उन्हें अचानक से बड़े बजट की फिल्में क्यों मिलने लगी है? खैर आग ही आग जब सफल साबित हुई तो कई समीक्षकों ने यह भी कहा कि फिल्म के असली निर्देशक पहलाज निहलानी थे और उन्हीं की वजह से फिल्म सफल साबित हुई। फैक्ट नंबर 15, आग ही आग धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की साल 1987 में लगातार तीसरी हिट फिल्म रही। इस साल दोनों ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। जहां धर्मेंद्र ने 1987 में 7 हिट फिल्में दी, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने 6 हिट दिए। इनमें से 3 फिल्में दोनों ने साथ में की थी। ये फिल्में हैं लोहा, आग ही आग और इंसानियत के दुश्मन। तो ये थी बेहद ही लोकप्रिय फिल्म आग ही आग पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दे तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।